अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसे कबाब जो कि 2 से 3 दिनों तक खराब नहीं होंगे। ये मैंने सब्सक्राइबर की डिमांड्स पे बनाए सफर में ले जाने के लिए। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई ले ली है, इसको अच्छे से गर्म कर लेना है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से हीट कर लेना। उसके बाद हमने डालना है 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया। जितने भी मसाले मैंने डाले हैं सबको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैंने डाले हैं 75 ग्राम दाल, चना की दाल मैंने डाली है, आप चाहें जो हो आपके पास डाल दें। फिर मैंने डाली है 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कट करके, और 6 से 7 लाल मिर्च सूखी वाली। अब इसको भी हमने क्रैकल करना है हल्का सा, जब कलर चेंज हो जाए। तो हमने डालना है इसमें चावल। मैंने चावल को एक दिन पहले चावल और दाल को धुल के सुखा दिया था, उसके बाद डाला है। हमने अक्खा चावल ही डालना है। मैंने यहाँ पे घर का चावल यूज किया जो रेगुलरली यूज होता है हमारे घर पे। तो इसको भी डाल के हमने इसको भी क्रैकल कर लेना है। जब ये अच्छे से क्रैकल हो जाए तो हमने डाल देना आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। और मैंने एक टुकड़ा पपैया का ले लिया, कच्चा पपैया, इसमें आधा मैंने डाल दिया है इसमें। इसको फ्राई कर लेना आधा, और आधा हमने बचा के रखना है, इसको हमने कीमे के साथ पीसना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से जब पपैया सॉफ्ट हो जाए तो हमने इसको निकाल लेना है पूरे मसालों को फ्राई करके। इससे क्या होता है कि हमारे कबाब जो है खराब नहीं होते हैं जल्दी, और बहुत इसकी शेल्फ लाइफ जो है बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये देखिए अब हमने इसको निकाल लिया, जो तेल बचा है इसको हम बाद में यूज करेंगे। ये देखिए अब हमने पपैया डाल दिया जो बचाया होता है। यहाँ पे 250 ग्राम मैंने कीमा लिया और 1 चम्मच नमक डाल के हमने इसको बारीक फाइन पीस लेना है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से पीसना है। पीस के एक बर्तन में हमने निकाल लिया। फिर हमने जितने मसाले फ्राई किए थे उसको भी बहुत ही बारीक पाउडर बना लेना है। ये देखिए पाउडर बनाने के बाद हमने बिल्कुल आटे की तरह डो लगाना है मिक्स करके मसालों में, और मसालों में अच्छे से मिक्स करके उसके बाद जो कढ़ाई में तेल बचा उसको लगा देना हमने ऊपर से, ताकि ये डो है जो है हार्ड ना हो। लगा के उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट देना है, ताकि मसाले जो मिर्च है और नमक सारा हमारे कीमे में एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से। ये देखिए बहुत ही अच्छे से नीट करना है हमने आटे को। इस स्टेज पे लाने के बाद आप चाहें तो इसकी पूड़ी भी बना सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आपने आटा मिक्स कर लेना है, तो बहुत ही अच्छे से कीमे की पूड़ी बन जाती है, बहुत ही यम्मी बनती है। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा रेसिपी भी। ये देखिए जब ये मुट्ठी से बनने लगे तो जान जाइए कबाब के शेप के लिए रेडी है। अब हमने अच्छे से नीट कर लिया, और जो कढ़ाई में तेल बचा था उसको लगा के हमने 2-3 मुक्का मार देना, ताकि और सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए बहुत ही अच्छे से लगा के सारा तेल हमने रख देना। उधर मैंने तेल को गर्म कर लिया, इसी तेल में मैंने पूड़ी भी छान ली है। तो ये देखिए अब हम हाई फ्लेम पे अच्छे से तेल को गर्म करेंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को स्लो या मीडियम कर देंगे। उसके बाद हमने फ्राई कर लेना है सारे कबाब को, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ही करना है, बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि कीमा हमारा जो है कच्चा रहता है तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको कुक होने में। ये देखिए सेकंड बैच भी मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिया है। बहुत ही जबरदस्त ये रेसिपी बनती है। अगर ट्रेन में 2 से 3 दिनों के लिए आप सफर पे जा रहे हैं कहीं भी, तो ले जा सकते हैं। इसी तरीके से देखिए हमने सेकंड बैच भी फ्राई कर लिया है। मेरी चिकन की रेसिपी जो है सफर में ले जाने वाली, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो भी चेकआउट करना ना भूलें। मैंने इसको सर्व किया है पूड़ी के साथ, आप पराठा भी ले जा सकते हैं, सादी रोटी भी ले जा सकते हैं, लेकिन रोटी है 1 दिन से ज्यादा नहीं चलती है, वो खराब हो जाती है। तो ये देखिए बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बनती है, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ की दरख्वास्त।